प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जिनको भारत में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है उनकी सोच और उनकी बातों की वजह से। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें वो इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर शैला खान को। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। देखिए मेजर पाकिस्तान के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं पाकिस्तान गई हूँ बचपन से, जो मैंने देखा कि लोगों की हरकतें जो रही हैं, उनकी घटिया सोच, जिस तरीके से सोचते हैं उसी में गड़बड़ है। यहाँ पर स्पेशली जो अंग्रेज है उनका सोचने का तरीका एक होता है, जो प्रोसेसेस आपके दिमाग में होते हैं वो एक सिंपल प्रोसेसेस होते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने बहुत ऊट पटांग किस्म की चीजें अपने दिमाग की सोच बनाई हुई, मुझे तो समझ में नहीं आई। एक नंबर की झूठी कौम, एक नंबर की करप्ट कौम। सच तो किसी पाकिस्तानी ने मुझे जिंदगी में बोला ही नहीं है। मुझे पसंद नहीं है लोग एक नंबर के चोर होते हैं, और मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ। अब 25 करोड़ आवाम में सब तो ना तो अच्छे होंगे ना ही सब बुरे होंगे, अच्छे बुरे लोग तो हर कंट्री में होंगे। हाँ हमारे यहाँ थोड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो है बुरी हरकतें करने वाले थोड़े ज्यादा पाए जाते हैं। देखिए ये आपके लिए आसान है बोलना कि अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, मगर मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि ज्यादा यानी मैं मुझे सोचना पड़ेगा, मैं कभी किसी अच्छे पाकिस्तानी से मिलूं, मैं कभी किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिलूं जो झूठ नहीं बोलता, मैं जिंदगी में नहीं मिली हूँ। इवन जो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और मैं ये नहीं बोल रही कि वो लोग बुरे इंसान है, मगर झूठ बोलना एक सिंपल चीज है, वो अपने झूठ को जस्टिफाई करेंगे। और जैसे आप बातें कर रही हैं कि नहीं अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, अरे भाई हाँ। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मगर आपने खुद एडमिट करा कि ज्यादातर सही लोग नहीं है। हाँ। जो लोग बाहर के मुल्कों में आ रहे हैं वो सही नहीं है। आपके जो होंगे अच्छे लोग पढ़े लिखे जो होंगे ना, वो बाहर के मुल्क नहीं आ रहे, वो पाकिस्तान में ही खुश है क्योंकि माल है उनके पास पैसा है, उनको आने की क्या जरूरत है। जो गंदे लोग हैं, जो घटिया लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, वो आ रहे हैं। तो बाहर का जो इंसान, जो अंग्रेज है, जो कभी किसी पाकिस्तानी से नहीं मिला, अगर वो अपने मुल्क में किसी पाकिस्तानी से मिलेगा वो कैसे जज करेगा पाकिस्तान को? वैसे जज करेगा ना कि ये पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आए ये कैसा है, इससे पता चलेगा ये लोग कैसे हैं। अब अंग्रेजों को एक पाकिस्तानी नहीं मिला कि जो बुरा है, वो ज्यादातर मिले जो खराब है, जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो ग्रूमिंग गैंग्स कर रहे हैं, लड़कियों को फंसा रहे हैं, जो गोरियों अंग्रेज गोरियों के साथ शादी करके पासपोर्ट लेके उनको छोड़ रहे हैं, दो एक बीवी यूके में रखी हुई, दूसरी बीवी जो है पाकिस्तान में बैठी हुई है, इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं आप लोग। आप जैसे मैं आप जो आपको नहीं बोल रही हूँ, मगर जो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो आके गंद कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों को बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो रिस्क क्यों लें? तो इंडिया में मैं ये नहीं बोल रही कि हर इंसान इंडिया में बहुत अच्छा है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मगर प्रॉब्लम्स कम है, और वो कम प्रॉब्लम्स हमारे मुल्कों में ला रहे हैं जी। बिल्कुल ये बात तो आप ठीक कह रही हैं कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इंडिया की गुडविल डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हम जर्मनी और इंडिया की रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं। एक हमने डील डिस्कस की, हमने डिस्कस किया 90,000 वीजा जो है इंडिया को मिल रहे हैं, वजह क्या है वो तो आपके सामने आ गई कि इंडिया जो है अपने मुल्क का नाम खराब नहीं करता, वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। अगर इंडियन स्टूडेंट की बात करें तो यस ये एग्री मैं करती हूँ कि वो उस तरह के गैंग्स में आपको नजर नहीं आएंगे जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट स्पेसिफिकली बाहर जाके पूरा गैंग बना लेते हैं और लड़कियों को जिस तरह से हैरास करते हैं और फिर उनसे पैसे बटोरते हैं। तो ये चीज़ें तो अब दुनिया को आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की, कि अगर पाकिस्तानी होंगे तो डेफिनेटली ये काम करते हुए दिखाई देंगे। अफसोस है, वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए मगर करते हैं क्योंकि आदत हो गई ना। जब अपने मुल्क में इस टाइप की हरकतें करते थे तो बाहर के मुल्कों में तो और 10-7 आ गए। तो अगर मैं पूछूं पाकिस्तानी किस चीज में नंबर 1 है, लोग क्या बोलेंगे? आपको क्या लगता है बाहर के मुल्क में लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉड करने में शायद जी, क्या चीट करने में? चीट कर, देखिए आपको खुद पता है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप रहती हैं, अब आपने खुद बोला है फ्रॉड करने में, और मैं बोलूंगी 10 out of 10 मार्क्स आती है बाहर से हमारे पास, क्योंकि हमारा तो डेली का काम है ना। थोड़ी देर के लिए आप नहीं, मगर मुझे पता आपको बुरा लगा होगा, पाकिस्तानी है आपको बुरा लगा होगा मैं पाकिस्तानियों को बोल रही हूँ, और हर पाकिस्तानी को कहीं ना कहीं भले आप इंडिया के बारे में न्यूज करें या जो भी करें, हर पाकिस्तानी पाकिस्तानी ही होता है जो पैदा हो, आपको बुरा लग रहा होगा। मगर दूसरी चीज में जो नंबर 1 है वो टेररिज्म में नंबर 1 है भाई। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आप लोग आ रहे और गंद मचा रहे, और मैं जो पैदा हुई हूँ, मेरे दोनों माँ बाप पाकिस्तानी थे, ठीक है, पाकिस्तान में पैदा हुए थे और टीनेजर उम्र में आए, अगर मैं एज अ वेल विशर एक तरीके से मैं बोल रही हूँ यार सुधर जाओ, ये चीजें हैं,
हमें तुम लोग बदनाम कर रहे हो, मुझे तो शर्म आती है कि मेरे माँ बाप पैदा हुए तो मैं क्या गलत कर रही हूँ। जैसे जो माँ बाप है अपने बच्चों को डांटते हैं, वो इसलिए नहीं डांटते कि वो फेल हो, वो इसलिए डांटते कि बच्चा इम्प्रूव हो आगे जाके। तो मेरा भी यही है, मैं डांटती खूब हूँ, ठीक है, मैं खूब, मैं जो है असलियत में लोगों को बताती हूँ, पाकिस्तानियों के इवन जो मुसलमान है उनकी जो हरकतें मैं वो बताती हूँ। इस वजह से नहीं कि मैं चाहती हूँ कि ये लोग बुरा करें, बुरा तो ये लोग वैसे भी कर रहे हैं, मैं इसलिए बोलती हूँ यार सुधर जाओ, खुदा के सुधर जाओ, क्योंकि ये लोग भी सुधरेंगे, इनके बच्चे भी ऐसे निकलेंगे। एंड जब तक ये लोग नहीं सुधरते, मैं नहीं चाहती और इस टाइप के लोग हमारे यूरोप में आए, चाहे भले भले वो जर्मनी हो या वो यूके हो। क्योंकि एक चीज हमने डिस्कस अभी नहीं करी है, ये जो जा रहे हैं इंडिया लोग 90,000 वीजे मिलेंगे। अब जैसे हमने जबान के बारे में बोला, वो जर्मन उनको पसंद, जर्मन लोगों को पसंद है, आप जर्मन बोले, ऑफकोर्स इंडिया के लोग जो है अडेप्ट कर लेंगे। मगर अगर कोई 90,000 वीजे लेके अगर आ रहा है जर्मनी, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब 90,000 लोग रुके रहेंगे जर्मनी में। कुछ लोग आते हैं जर्मनी, उनको जाना है अंग्रेजी सीखने बोलने वाली कंट्री में, क्योंकि उनके लिए आसान होता है, वो एक स्टॉप करते हैं जर्मनी में, थोड़ा सा सीखते हैं, स्किल्स लेते हैं, फिर वहां से निकलते हैं यूके, वहां से निकलते हैं कनाडा जाते हैं, फिर वहां से अमेरिका, वहां से उनके लिए तो और दरवाजे खुलेंगे। जर्मनी अगर जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जर्मनी में रुके रहेंगे, हो सकता है फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और उनके लिए दरवाजे खुलेंगे। जी तो मतलब कि ये वो एक जगह पर मतलब तब्दीली का नाम भी तो एक कहते हैं ना कि तरक्की करना ही है, आप खुद को चेंज करते रहते हो। आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे कि जैसे कि चाइना इंडिया की तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जर्मनी इंडिया के अंदर मौजूद है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इंडिया की जो मार्केट है, इंक्लूडिंग डिफेंस सेक्टर हम ऐड करेंगे इसमें, चाइना के लिए कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है? क्या बाकी चाइना और अमेरिका को खतरा है इंडिया से, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, क्योंकि आप तो मुल्क से बाहर बैठी हुई हैं, बहुत सी चीजें आपके मुल्क में भी डिस्कस होती होंगी, तो किस तरह देख रही हैं मोदी साहब की लीडरशिप को, फिर चाइना के अंदर का जो डर है, और बड़े इन्वेस्टर जो हैं इस वक्त चाइना के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर इन लोगों का जंग करने का इरादा है चाइना के साथ, तो वो लोग अपना बिजनेस स्मार्ट क्यों टिका के रखेंगे? तो चाइना भी आगे बढ़ रहा है और इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। अब किसी को अगर एक गैम्बल करना है और किसी एक मुल्क पे अपने क्या बोले पत्ते या वो डालने हैं, मैं गैम्बलिंग नहीं करती, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ इससे पहले लोग इल्जाम लगाना शुरू कर ले, एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपको बेट लगानी है किसी मुल्क पे, और एक मुल्क पे बेट लगा सकती हूँ और दो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो अगर आपको चूज करना पड़ेगा, तो जो क्या बोलते हैं उसको, के पहले ना दाने डालने पड़ते हैं, बीज डालने पड़ते हैं, तो इनकी जो डिसीजन ये लोग बना रहे हैं उसे अगर मैं लॉन्ग टर्म सोच रही हूँ, इसका क्या मतलब है? क्योंकि जब हम कोई डिसीजन देखते हैं, हम शॉर्ट टर्म सोच रहे होते हैं, हम लोग आम इंसान शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है, आज इस साल क्या होगा, मगर ये मुल्क पूरा इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। तो मुझे ये लग रहा है कि इनको लग रहा है चाइना के साथ कोई पंगा होगा, वहां से अभी से निकल लो, जिस मुल्क के साथ हमें नहीं लग रहा कि पंगा होगा वहां डालो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पंगा होने वाला है चाइना के साथ, और आप खुद देख लेगा। जी, मेरी बात कभी गलत नहीं होती है, तो आप देख लेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जर्मनी और चीन का कोई पंगा होने वाला है इनकमिंग फ्यूचर? जर्मनी का नहीं पता, मगर यूरोप और अमेरिका, देखिए यूरोप और अमेरिका एक तरीके से एक ही है, स्पेशली अमेरिका और ब्रिटेन, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज करते हैं, हर चीज हमें बताते नहीं है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पर्दे के आगे क्या दिखा रहे हैं, हमें खुद ये चीजें इसमें पढ़ना पड़ता है कि यार ये डिसीजन ले रहे बड़े बड़े, इसका क्या मतलब है? तो ये लाइटली डिसीजन नहीं लेते लॉन्ग टर्म। तो मुझे लगता है कि अभी देखते हैं कि चाइना, क्योंकि चाइना से इनको खतरा लगता है, सिक्योरिटी रिस्क भी लगता है, इनको कॉम्पिटिशन लगता है, और इंडिया को इनको लगता है कि चलो ये इंडिया में फायदा है, मगर इंडिया को हम एक तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो चलो इंडिया में इन्वेस्ट करो। जी और इंडिया में फिर डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिफेंस के अंदर टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, ये भी तो बड़ी कहते हैं ना लोगों को चुभ रही है कि ये कैसे हो सकता है। जी टेक्नोलॉजी भी कर रहे होंगे, फिर वहां बंदे भी डालना शुरू कर लेंगे इंडिया में, बंदे वहां डालेंगे इंडिया में, इंडिया बॉर्डर कर रहा है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो देखें क्या होता है आगे जाके। मुझे तो डर लगता है, फिर जंग से और इस टाइप की जो खबरों से तो मुझे बहुत डर लगता है, मगर कुछ लोग चाहते हैं कि जंग हो, क्योंकि उसमें भी पैसा है, पूरी जो है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं ना, अगर पैसे लोग कमाते हैं एक्चुअली वेपन्स बनाने में बेचने में, इनका तो पूरा बिजनेस है। तो कुछ लोग लॉन्ग टर्म इस तरीके से भी सोचते हैं, तो बीज अभी उन्होंने डालना शुरू करे हैं, देखते हैं किस टाइप का पौधा निकलता है।
ओके, थैंक यू सो मच बिमना जी, टाइम देने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। और जो पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, बिल्कुल आप बुरा ना मनाएं, क्योंकि कुछ ऐसे खबरें आती हैं जो कि फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बनती हैं और फिर वो खबरों की सुर्खियां बनती हैं और कहीं ना कहीं वो दिमाग में रह जाती हैं। तो मेहनत करें, इंडिया की तरह अच्छे अच्छे काम करें, ताकि जर्मनी अगर इंडिया जा सकती है तो पाकिस्तान भी आगे। लेकिन उसके लिए हमें कम से कम 100 साल मेहनत करना पड़ेगी, खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि यस हम कुछ अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास डिलीवर पावर नहीं है। लेकिन हाँ, IMF के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया को हमारी मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में अपनी राय शेयर करते हैं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और लुबना जैदी जी का पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, खासकर लुबना जैदी जी की बातें, क्योंकि वो हमेशा जो बात करती हैं वो पॉजिटिव करती हैं और न्यूट्रल होकर चीजों को सामने रखती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।